दोस्तों अभी तक अगर आपने मामल बोनसाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको मैसेज मिल जाए। दोस्तों मैं विजय सैनी आपका मामल बोनसाई फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों जो ग्रीन हाउस है वो हमारा कंप्लीट हो गया है तो आज मैं आपको जो मेरा पॉली हाउस है उसकी अपडेट दिखाऊंगा कि मैंने कैसे उसको बनाया था, क्योंकि इससे काफी छोटी छोटी क्लिप जो है वो जोड़कर ये वीडियो मुझे बनाना होगा। तो मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्डिंग में आपको दिखा देता हूं और उसके बाद आपको जो पॉली हाउस है उसके अंदर लेके चलूंगा कि कैसे मैंने बनाया है उसके बारे में आपको बताऊंगा। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। से मैंने इसके ऊपर जो नेट है वो डाल दिया है और जो नेट डाला था इसकी मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया था क्योंकि ये मैंने रात के टाइम पे डाला था। जैसे कि आपको याद होगा जब मैं लाइव आया था लास्ट संडे तो मैंने आपको बताया था जो पॉली हाउस का थोड़ा काम रह रहा है बाकी, तो ये काम मुझे करना था और इसलिए उस टाइम पर अंधेरा हो चुका था तो शूट नहीं कर पाया था। तो ये ग्रीन नेट मैंने इसके ऊपर डाल दिया है
और आपको अंदर से चल के मैं और दिखाता हूँ कि क्या क्या मैंने इसके अंदर किया है। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। ये इसकी फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड में मैंने दरवाजा लगाया है ताकि इसको इससे हम अंदर जा सके। यहाँ से हम दरवाजे को ओपन करेंगे और इसके अंदर जाएंगे। दोस्तों देखिए, इसके अंदर जो हमने गोभी के जो प्लांट्स लगाए थे, आपको याद होगा ये सारे प्लांट्स इसके अंदर आ गए। प्लांट जो खराब ही हो गए इसकी वजह से, क्योंकि जब ये पॉली हाउस बन रहा था तो उसी वजह से टमाटर के मोस्टली प्लांट खराब हो गए हैं। यहाँ पे जो गोभी है वो देखिए, आपको इसके अंदर जो फूल है गोभी का वो आ गया है। कुछ यहाँ पे पत्ता गोभी भी है जो बनना स्टार्ट हो गई है। कुछ यहाँ मैंने आलू के प्लांट्स लगाए थे वो भी है। और ये कुछ मैं यहाँ पे जो ट्रे है वो लेके आया हूँ, यहाँ पे कुछ सीड्स जो है वो लगाएंगे। कुछ मैंने यहाँ पे कटिंग्स लगा दी है। दोस्तों ये मैंने टेबल बनाई है एक, ताकि यहाँ पे हम हमारे जो बॉन्साई है वो रख सकेंगे। ये देखिए सामने जो टेबल है, इस टेबल पे हमारे जो बॉन्साई है वो हम यहाँ पे रखेंगे। एक स्टैंड जो हमारे पास पहले था ये वो हम यूज करेंगे। सेम इस साइड एक टेबल है, तो दोनों साइड इस तरह से जो टेबल है मैंने बना रखी है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से जो पॉली हाउस का स्ट्रक्चर मैंने बनवाया था। अभी जो सेटअप है वो बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुआ है। जो प्लांट्स वगैरह है वो मुझे अभी यहाँ पे रखने हैं, काफी टाइम लगेगा अभी मुझे। और दोस्तों अभी इसके अंदर काफी काम मुझे करना है। कुछ मैंने कल कटिंग्स लगाई थी, तो जो आपको वहाँ पे दिख रहा है वो कटिंग्स वगैरह है। कुछ कटिंग अभी मैंने इसके अंदर रखी हुई है जो मुझे लगानी बाकी है, तो काफी काम अभी बाकी है। इसका जो टेम्परेचर है वो काफी तेज है, अंदर का जो टेम्परेचर है बाहर के टेम्परेचर काफी तेज होता है। तो गर्मियों के लिए मैंने ऐसा सिस्टम किया है ताकि गर्मियों में इसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन में कर सकूं। दोस्तों जब मैं इसके अंदर जो प्लांट्स रख दूंगा उसके बाद आपको दोबारा दिखाऊंगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।